सीतापुर से सांसद राजेश वर्मा ने अपने आवास पर एक पत्रकार वार्ता कर केंद्रीय बजट पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा वर्ष 2023 व 24 का जो केंद्रीय बजट पेश किया गया है वह सर्वसमावेशी, जन केंद्रित और विकास उत्प्रेरक बजट है, जिसमें वित्तीय श्वेत समय विकास अवसंरचना और निवेश अंतिम मील तक पहुंचना, हरित विकास क्षमता विकास ध्यान रखा गया है। यह बजट देश को एक नई दिशा देने वाला बजट है। सीतापुर से गोला मार्ग जाने वाले ओवरब्रिज की मांग की थी, वह भी जल्द से जल्द बनना शुरू हो जाएगा। सीतापुर से लखीमपुर तक जाने वाले मार्ग पर पुलिस लाइन से नौपालापुर तक ओवरब्रिज का निर्माण कार्य होगा। जल्द ही सीतापुर जनपद वासियों को सीतापुर से लखनऊ जाने वाली यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। के केंद्रीय बजट को तो हम सबसे मेन बात ये कहेंगे कि इस बार का केंद्रीय बजट हमारा सर्वस्पर्शी है, सर्वसमावेशी है और सामान्य व्यक्ति से लेकर के बड़े व्यक्ति से लेकर के बड़े व्यापारी से लेकर के नीचे स्तर पर रहने वाले व्यक्ति तक इस बजट का असर जाएगा। हम चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करें, चाहे सड़कों के निर्माण की बात करें, चाहे रेलवे के निर्माण की बात करें, चाहे हम टैक्स के जो हम लोगों को टैक्सेशन में जो छूट मिली है उसकी बात करें, मुफ्त में राशन व्यवस्था को देने की बात करें और समग्र विकास जो हमारे देश का हो रहा है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, हम लोग पर्यावरण को लेकर के विश्व में हम लोग अगुवाई करने का काम कर रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।